सावन अधिक प्रदोष 2023 13 या 14 अगस्त जाने सही तिथि प्रदोष काल पूजा मुहूर्त आज जरूर करेंगे एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में सावन के अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शिव पंचाक्षरी मंत्र और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस समय सावन के अधिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। सावन अधिक मास की त्रयोदशी तिथि 13 अगस्त को है। यह अधिक मास का दूसरा प्रदोष और सावन का तीसरा प्रदोष होगा। त्रयोदशी तिथि रविवार को होने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। इस दिन व्रत रखने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष का पूजा मुहूर्त, शुभ संयोग, पूजा विधि और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सावन अधिक प्रदोष शुभ मुहूर्त 2023 साल 2023 सावन अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 13 अगस्त सुबह 8:19 पर। सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 14 अगस्त सुबह 10:25 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त सायंकाल 7:03 से लेकर 9:12 तक। सावन अधिक प्रदोष पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इस दिन साधक को प्रातः स्नान के बाद सूर्य को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास के बाद प्रदोष काल में पुनः स्वच्छ होकर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार के पुष्प चढ़ाएं और विधि पूर्वक पूजन, शिव मंत्रों का जाप, व्रत कथा और आरती करें। अधिक प्रदोष में शिव पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी अति शुभ माना जाता है। अधिक प्रदोष शुभ योग 2023। पंचांग के अनुसार 13 अगस्त 2023 को अधिक मास के दूसरे प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के समय सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। ये दोनों ही योग शुभ फलदायी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र धन, मान, सम्मान और यश देने वाला माना जाता है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। वही सिद्धि योग में किए गए कार्य सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। इस दिन दोपहर 3:56 से सिद्धि योग और सुबह 8:26 से पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। रवि प्रदोष व्रत उपाय। धार्मिक मान्यता अनुसार सुख समृद्धि के लिए रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव को जौ का आटा अर्पित करना शुभ माना जाता है। रवि प्रदोष के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए दही में शहद मिलाकर भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। सुख शांति के लिए रवि प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।